जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोशन झा है और आप स्टेप बाय स्टेप का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जब अपने स्टूडेंट्स को 8th स्टैंडर्ड के क्लास को पढ़ा रहा था, उसमें मैं मैथमेटिक्स का 15th चैप्टर, 8th स्टैंडर्ड का 15th चैप्टर जो कि है एरिया, ये चैप्टर पढ़ा रहा था। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बच्चे कुछ सम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जा रहे थे, तो मैंने वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया और मैंने सोचा कि इस नॉलेज को क्यों मैं अपने क्लास में सबमिट के रखूं, मैं इसको आपको भी बांटना चाहता हूं। तो देखिए, मैं आज 15.6 का 15th चैप्टर है ये और प्रैक्टिस सेट 15.6 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर्स, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। क्वेश्चन को ध्यान से पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। इसमें क्या बोला है कि एक सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन का मतलब होता है सर्कल शेप का एक गार्डन है। तो ये मेरा जो मैंने अंदर बनाया है वो है गार्डन, ठीक है, अंदर वाला सर्कल जो है वो है गार्डन, और गार्डन को घेरते हुए एक रोड पास हुआ है उसके बगल में, ठीक है, गार्डन को घेरते हुए बगल में एक रोड पास हुआ है बेटा। तो इसमें क्या क्या बोला है, इसमें सबसे पहला चीज बोला है कि गार्डन का जो डायमीटर है, डायमीटर जो गार्डन का दिया है वो दिया है 42 मीटर्स। सबसे पहली बात तो सर्कल है तो जाहिर सी बात है कि इसका डायमीटर हो सकता है। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करे और सेंटर को पास करते हुए, उसको हम बोल देते हैं डायमीटर। तो मुझे ये डायमीटर दे दिया है। उसके बाद मुझे और क्या बोला है कि ये जो रोड है और ये जो गार्डन है इसके जो बीच का जो दूरी है ये कितना है, गार्डन का जो गार्डन के अगल बगल का जो रोड है उसका चौड़ाई यानी विड्थ वो कितना वाइड है, वो है 3.5 मीटर। इसका मतलब ये जो रोड है वो 3.5 मीटर चौड़ा रोड है। और मुझे क्या बोला है कि एक काम करिए, आप लोग इस रोड का एरिया फाइंड करिए। ये जो रोड है ना, ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड है, मुझे इस रोड का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एकदम सिंपल है दोस्तों। देखिए कैसे करना है इसको, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये सम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल, एक छोटा वाला सर्कल, ठीक है। छोटा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गार्डन रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गार्डन के साथ साथ रोड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो अगर मैं क्या करूंगा, इस एरिया में से इस एरिया माइनस कर दूंगा तो जो बचा एरिया मिलेगा मुझे इस रोड का एरिया मिल जाएगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि डायमीटर ऑफ गार्डन, इस गार्डन का डायमीटर कितना है बेटा, 42 मीटर, ठीक। तो डायमीटर जैसा कि मुझे मालूम है कि रेडियस क्या होगा उसका, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 42 का हाफ हो जाएगा कितना, 21 मीटर। इसका मतलब इस जो गार्डन है इसका रेडियस कितना होगा, 21 मीटर्स। उसके बाद मैं इस बड़े वाले सर्कल का, इसको मैं लिखता हूं डायमीटर ऑफ गार्डन विथ रोड। इस बार भी गार्डन का ही डायमीटर लेना है लेकिन रोड के साथ लेना है, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो डायमीटर क्या होता है कि किसी सर्कल के किसी, मान लीजिए सर्कल के किसी एक पॉइंट से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट को टच करता है सेंटर को पास करते हुए, तो मैं मान लीजिए इसका डायमीटर कुछ इस प्रकार बनाता हूं। ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला जो सर्कल है ये वाला, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये उसका रेडियस हो गया और ये उसका रेडियस हो गया, देख रहे हैं। तो हमको पता है ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 21। उसके बाद ये विड्थ कितना है, 3.5, ये हो गया, ये हो गया और ये भी 3.5 है, क्योंकि रोड जो है वो हर जगह से कितना चौड़ा है, 3.5 ही चौड़ा है। तो ये हो गया 3.5, ये रेडियस हो गया 21 और ये कितना हो जाएगा, ये 3.5। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर प्लस ये 3.5 प्लस ये नीचे वाला 3.5। तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो 42 प्लस 3.5 प्लस 3.5 हो जाएगा 7, तो 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 49 मीटर। तो मुझे ये वाले का भी डायमीटर मिल गया, बड़े वाले का भी। अब जैसे डायमीटर मिला वैसे मैं क्या करूंगा, रेडियस निकालूंगा। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है,
इसका मतलब 49 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 50 का हाफ होता है 40, 25, तो 49 का हाफ क्या हो जाएगा 24.5 मीटर। तो मुझे छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस मिल गया, बड़े वाले सर्कल का भी क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। तो मुझे क्या करना है, देखिए मुझे इस रोड का एरिया फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू, इस रोड का एरिया क्या होगा, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड, कहां तक जा सकता हूं, माइनस बी छोड़ा, माइनस एरिया ऑफ सिर्फ गार्डन, ये है एरिया ऑफ, ये है गार्डन विथ रोड और ये है गार्डन। देखिए ये कितना मिला मुझे अभी, इसका एरिया बताइए, सर्कल है ये, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले रेडियस को, बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर लिखा, माइनस गार्डन के एरिया को मैं स्मॉल आर ले लेता हूं, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने बड़े वाले सर्कल को कैपिटल आर माना, छोटे वाले सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर माना। देखिए दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं, पाई को कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस ये वाला छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, बड़ा वाला आर कितना मिला मुझे, इसको मैं बड़ा वाला आर लिख देता हूं, गार्डन विथ रोड है, आर कितना मिला 24.5, तो ये हो जाएगा 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना मिला 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कैपिटल आर का वैल्यू लिख दिया 24.5, यहां से कैपिटल आर का वैल्यू लिख दिया 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर। तो जब हम लोग 24.5 का स्क्वायर करेंगे, 24.5 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 24.5 × 24.5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 600.25, ठीक है। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 600.25। उसके बाद माइनस 21 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 441, तो हमको ये मिला। अब क्या करना है, देखो ये दोनों को माइनस कर देना है, देखना है कितना मिल रहा है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं। देखिए 600.25 माइनस 441 करना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 441 लेना पड़ेगा, 0.00 करना पड़ेगा क्योंकि वहां पॉइंट था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 कट करके 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 159.25, तो ये हो जाएगा 159.25। बस मुझे क्या करना है, इसको इससे कैंसिल कर देना है, अगर कटता है तो देखते हैं, 7 है यहां 15 है, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, यहां बचेगा 5, 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, तो 0.7 7 जा 49, तो ये कितना हो जाएगा, 49 था 3, 7 5 जा 35, आंसर मिला 22.75, ये हो जाएगा 22 × 22.75। जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, देखिए तो मैं क्या ढूंढ रहा था, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड, जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 500.5, और चूंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर, चूंकि ये मीटर में दिया था तो एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो आपको हार्ड लगने वाला सम था, इसको मैंने आपको एकदम आसान तरीके से डीकोड करके बताया। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्कूल फ्रेंड्स को ये वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।